आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि साइंस, टेक्नोलॉजी और नृत्य, इनका मिलाप किस तरह होता है कोरियोग्राफी के माध्यम से। आपने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो भी टेक्नोलॉजी या साइंस ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंसेस के लिए, आपके प्रोडक्शंस डिज़ाइन करते गए, उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक चीज़ लगी जो मुझे इतने क्लियरली और इंस्टीट्यूशंस या डांसर्स के बारे में नहीं नज़र आते कि साइंस और डांस का इतना एक्टिव जो कनेक्शन है, इंटरैक्शन है, वो आपने बहुत पहले 80 के दशक से ही शुरुआत हो चुकी थी। करेक्ट। क्या था, पहले मेरे पास फिजिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से उनके सेमिनार के लिए एक निमंत्रण आया था, तो उनका जो सेमिनार का विषय था वो सैटेलाइट पे बेस्ड था, तो मैंने सोचा कि कुछ आइडिया करते हैं और ये सैटेलाइट कैसे वर्क करता है, उसका यहाँ पृथ्वी पे क्या असर होता है, यही पे एक कोरियोग्राफी करते हैं। तो लेकिन हर बार मैंने ये इंसिस्ट किया कि पहले होगा पूरा हमारा रेपर्टुआर, वंदना होगी, ताल होगा, ग्रुप कोरियोग्राफीज होंगे, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे हम आपके सेमिनार के विषय से। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से थे, उनको सब जो ऑफिशियल्स आए थे, प्रोफेसर्स आए थे, एचओडी आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा, ये कल्पना ही बहुत अच्छी लगी उनको, और हमने काम शुरू किया। तो कैसे सैटेलाइट बताता है और कैसे यहाँ के साइंटिस्ट तुरंत उस पर एक्शन लेके कैसे वो कन्वे करते हैं पूरा, ये हमने दिखाया। तो वहाँ हमने, इस बार हमने ये नहीं किया था, कॉस्ट्यूम्स वगैरह नहीं किए थे, ऐसे कथक के ही कॉस्ट्यूम्स पहने थे, और मुझे तो याद है कि सारे लोगों के लिए इतने कॉस्ट्यूम्स सिलवाना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैगड्रैप था जो किराए पे देता है कॉस्ट्यूम्स, तो मैंने बोला घाघरा जो है कम से कम जो जरी नहीं है और कथक के लिए चले जाएंगे डिज़ाइन, ऐसे मैंने उसमें से लिया, और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन से बताना, उसमें मैं सैटेलाइट थी तो मैं वाइट घाघरा में थी, और कुछ बच्चे जो हमने पृथ्वी के लोग यानी के क्या बोलते हैं पीपल ऑन द अर्थ, सो दे वर इन डिफरेंट आउटफिट्स, कोई मेल में कोई फीमेल ऐसे बने थे, चूड़ीदार कुर्ता पहना था, किसी ने घाघरा पहना था, वो सारा कलरफुल किया। लेकिन जो वेव्स आते हैं वो हमने एक 6 घाघरे ऐसे एक कलर में किए थे, ताकि वेव्स दिखाने में, सिर्फ हाथ से नहीं या बोलने से नहीं, और रनिंग कमेंट्री नहीं थी, लेकिन सारा 100% डिज़ाइन किया हुआ था। तो उस जमाने में फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स लोगों ने मुझे एक अच्छा खासा चार्ट बना के दिया था, और उस चार्ट का मुझे बाद में भी बहुत अभ्यास करके उपयोग हुआ। तो ऐसे था कि फर्स्ट सीन, सो साइंटिस्ट अराउंड, आई मीन थिंकिंग, देन उनको कल्पना आ जाती है, उस पर काम करना शुरू होता है, कई बार असफल होते हैं, फिर सफल होते हैं, फिर सैटेलाइट छोड़ते हैं, जो सैटेलाइट ऑलरेडी है वो कैसे सब डायरेक्शंस भेजते हैं, और उस भेजने के बाद यहाँ पृथ्वी पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो ये सारा हमने किया था, इसे 15-20 मिनट में किया था। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ऐसे तैयार म्यूजिक लेना तो पॉसिबल यानी कि था ही नहीं उस जमाने में, तो सारा लाइव म्यूजिक पे ही काम चलता था। और हमारे यहाँ रमाकांत परांस पे करके बहुत सीनियर वायलिन वादक है, तो वो हर तरह के आवाज़ वायलिन से निकाल पाते थे, तो वायलिन था, अजित सोमन थे फ्लूट पे, मुकुंद गदरे थे हारमोनियम पे, शायद रमेश सामंत जी ही थे तबले पे, और पखावज पे विठल राव कदम, ऐसे बड़ा अच्छा खासा ताफा था। लेकिन बिलीव मी, इन सारे लोगों ने उसको उसके म्यूजिक को या उसके मॉडर्नाइजेशन को इतना अच्छा संभाला था कि जो ट्रेडिशनल नहीं था वही सारी बातें इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स से बहुत अच्छी तरह से बाहर आ रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत आनंददायक घटना थी कि जो मुझे चाहिए था कि ये ट्रेडिशनल नहीं है, यहाँ लहरा नहीं काम करेगा, क्योंकि वो जो बताते हैं पहले
समझो सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन आ गई तो पृथ्वी के लोग थोड़ी ना मान जाने वाले में से थे, बोले कुछ भी बताते हैं, बारिश क्या आएगी, बारिश नहीं आने वाली, अभी क्या सीजन है क्या बारिश का, ये नहीं, ये भी हमने दिखाया था. इसके लिए ट्रेडिशनल हमने एक म्यूजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो जो रेज आते हैं यानी कि इन्फॉर्मेशन आती है वो किसी एक ठीक तरह से आती है, तो हमें उसको बार बार इस्तेमाल करके एस्टैब्लिश करना था कि ये ऐसे ऐसे है, तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, सैटेलाइट भेज रहा है. तो अभी मुझे जब अभी बोलते बोलते याद आ रहा है कि सैटेलाइट तो जाहिर है एक्सप्रेशंस नहीं देगा, लेकिन हमारा सैटेलाइट देता था. क्योंकि अगर मैं बताऊंगी कि ड्राउट पड़ने वाला है तो ड्राउट यानी मैं सैटेलाइट, तो मैं ड्राउट नहीं दिखाऊंगी और मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं है और डायलॉग नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी. तो इमोशंस एक्सप्रेशंस तो चाहिए ही चाहिए थे, तो लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल रहा और मेरे लिए एक अभ्यास करने का साधन बन गया. हाँ. कि इतना अदरवाइज मेरा फिजिक्स के क्या वास्ता, विज्ञान से क्या संबंध, बिल्कुल संबंध नहीं, कुछ भी मैं नहीं अदरवाइज पढ़ती जितना इसमें पढ़ा. और उसी के नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से अंटार्कटिका. हाँ, उसके बहुत बात किया, लेकिन हम अंटार्कटिका की बात करते हैं. आरएनडी दीघी करके यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है और वहाँ से सब साइंटिस्ट गए थे अंटार्कटिका में, कुछ स्टेशन होके वहाँ रह के कुछ उनको प्रयोग करने थे. तो जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया वहाँ पे, सक्सेसफुल प्रयोग किया, उन लोगों को ये संस्था फेलिसिटेट करने वाली थी. तो मुझे बुलाया गया, तो अक्रॉस द टेबल सारे साइंटिस्ट, HOD और मैं बैठी थी. तो मैंने सोचा कि बस सब सुना उनका कैसे वहाँ था, फिर भी हमारे साइंटिस्ट कैसे सक्सेसफुल रहे अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हाउ दे आई मीन द सर्कमस्टेंसेस दे सफर्ड एंड दे फेस्ड. तो ये बहुत चाहते थे वो कि हम ये दिखाएं. तो मैंने सोचा कि हाँ, इसमें एक मुझे 8 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कुछ का एक फ्रेमवर्क करके मैं आती हूँ. तो फिर से गई और एक अच्छी खासी कल्पना आ गई, वो थी आर्टिस्ट्स ऑन अंटार्कटिका. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत महत्व की थी, क्योंकि उनका सारा सुनने के बाद मैंने बोला कि साइंटिस्ट लोगों का तो ये काम ही होता है कि अगेंस्ट ऑड्स वो काम करे और प्रूव करे अपने प्रयोग को, लेकिन आर्टिस्ट लोगों का, जिनका देना नहीं है इससे, देना लेना नहीं है कि क्यों अंटार्कटिका पे जाके कुछ काम करे, तो ऐसे आर्टिस्ट इकट्ठा आते हैं और तय करते हैं कि हम लोग यहाँ तो काम कर रहे हैं लेकिन हम ऑड सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं, तो कुछ शायद हमको नया सीखने को मिलेगा या शायद हमको कुछ नया प्रूव करने को मिलेगा, तो वो इकट्ठा आते हैं. सो आर्टिस्ट ऑन अंटार्कटिका ये पहले शुरू हुआ. वो ऐसे कॉलेज गोइंग लड़कियाँ थी सारी, बन चुके आर्टिस्ट नहीं थे. ताकि मुझे दिखाना था उनमें से लाइवलीनेस, क्योंकि जर अगर हम मैं बुजुर्ग आर्टिस्ट दिखाती तो आगे आगे जो मैंने दिखाया वो मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि फिर उनका स्टेटस और उनका सब संभालना मेरे लिए फिर डिफिकल्ट हो जाता. तो कॉलेज गोइंग लड़कियों से शुरू किया, तो वो तय करती है और किसी भी तरह वो अंटार्कटिका पे जाने का सोचती है. तो फिर ऐसे होता है कि पहले समंदर में एक ऐसी जगह है वहाँ कैप्टन को शिप संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि शिप बिल्कुल 90 डिग्रीज से 60 डिग्रीज से 45 डिग्रीज ऐसा चलना होता है, इतने वेव्स का अनसर्टन और इतना ज़्यादा फ्लो रहता है. तो सारे जो शिप पे होते हैं आज तक भी उनको क्या बोलते हैं, गिडनेस और गिडनेस से आने वाली सब सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है. तुम समझ जाओगे मुझे मैं क्या करना कहना है. और कैप्टन की भी बिल्कुल एक परीक्षा होती है कि शिप सही सलामत उससे बाहर निकाले और आगे ले जाए. और अंटार्कटिका में तो हिमनग होते हैं समंदर में, उससे बच के भी शिप को ले जाना होता है. तो हमने हिमनग भी दिखाए,
और हिमनक पहले दिखाए तो उस जमाने में थर्माकोल के हिमनक किए थे, और ऐसे बच्चे लेके ऐसे 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 आते थे, शिप जैसे आता था बस चले जाते थे। लेकिन वो जो 45-60 डिग्रीज का शिप का चलना है ना, वो मैंने जातियों के इंटरैक्शन से दिखाया था, यानी बिल्कुल अनडिसाइडेड, यानी कि अगर हम लोग अभी जैसे करते हैं तो किसी ताल का उसे बंधन रहता है, किसी भी जाति में काम जब होता है तो ताल का बंधन तो रहता ही है। लेकिन यहाँ मैंने जातियों को क्लमजी किया था ताकि आने वाली वेव दिखे और फिर जाने वाली वेव दिखे। जाने वाली वेव दिखती थी सिर्फ मेलेडी से, मेलेडी के इंटरैक्शन से, और आने वाली वेव दिखती थी जातियों से, जो तबला पखावज में बजता था और बोंगो कोंगो में बजता था। शाम पोरे करके थे, वो बोंगो कोंगो बजाते थे और हम बिल्कुल आराम से उसका इस्तेमाल करने का हमने सोचा। तो ये हुआ, फिर हिमनग हुए और फिर नज़दीक आ गया अंटार्कटिका। तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट क्या किन को देखते होंगे, हाँ। क्या तुम्हारी सोच है? पेंगुइन्स, एक बड़ा खासा पेंगुइन्स का ग्रुप हर वक्त जब भी शिप आता है तो साइंटिस्ट को वेलकम करता है। वेलकम करता है माने क्या करता है साइंटिस्ट ही जाने, हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन हमने जो वीडियो में देखा तो लिटरली वो अपने पैर पंख छटपटाते हैं बिल्कुल, और ऐसे 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 मान करके, ओ माय गॉड, वो इतना आनंदित होते हैं, मानो लगता है कि वो भी चाहते हैं कि और कोई आए और हमारे इर्द गिर्द रहे। तो और वो फिर ऐसे घूमते हैं और ऐसे चलते चलते पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर चलते हैं कि वो सारे लोग आ रहे हैं ना पीछे। क्या बात है, इतनी बड़ी बात थी। तो मुझे अच्छा खासा बच्चों का, एक 10-12 साल के बच्चों को मैंने लिया, 10-12 लड़कियों का ग्रुप, और उनको मैकड्रैप ने मुझे सी के दिया उस जमाने में, मैं पेंगुइन्स का ड्रेस, और अपने प्रभाकर भावे जी थे, उन्होंने जो चोंच बना के दी, तो इतना सारा अच्छा काम हो गया, रियल रियल पेंगुइन्स बन गए। और फिर उसके बाद फिर सिलसिला चालू रहा कि वहाँ की एटमॉस्फेयर और वहाँ इन आर्टिस्ट को क्या दिखता है। हाँ, तो पहले बार ऐसे था कि ऐसे ही आर्टिस्ट वो सब बर्फ वगैरह देख के, और बिल्कुल वो दिन का ही 6 महीने का वक्त था, तो रात थी ही नहीं, तो ये लोग ऐसे ही कुछ खाते खाते बस नेचर में चले गए, और फिर खाने के बाद अपनी मेंटालिटी से वो फेंक दिया। तो पीछे से एक साइंटिस्ट आया, तो पहले बोला ये पहला रूल है यहाँ का कि कुछ भी कचरा नहीं करना है, जो भी करना है सेशन में लेके आना है अंदर। तो ये पहला उनको पहली सीख थी ये। फिर उन्होंने देखा, घर में आए तो फिर अपने अपने साज निकाले, जो डांसर थी उन्होंने घुंघरू निकाले, और फिर बाहर आके देखा तो पूरे कलर्स का ऑरा था बाहर। तो आर्टिस्ट आ गई पहली, जो पेंटर थी वो बाहर आ गई, तो उसने देखा कि सारा आसमान ये अनगिनत रंगों से भरा हुआ है, इसमें से मैं कौन सा रंग चुनूं और अपने चित्रों में उनको रेखांकित करूं, तो ये बहुत अच्छा एक पहला आर्टिस्ट के लिए था कि यहाँ काम करने के लिए क्या बोलते हैं, स्काई इज द लिमिट, कि जितना करो सुंदर ही होने वाला है, मैं जितना पेंटिंग करूं हर बार उसको एक अलग नज़रिया मिलने वाला है मुझे भी और दर्शकों के लिए भी। फिर स्कल्प्टर आता है और उसके लिए बर्फ ही बर्फ है, उसने कभी बर्फ में काम नहीं किया होता है, वो ऐसे ही जनरल ग्लोव्स जो पहनते हैं ठंड ना लगे उससे काम करना शुरू करता है, तो वो काम नहीं कर पाता है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, फिर सोचता है क्या करें, फिर साइंटिस्ट से बात करता है। तो ये सारा एक एक के बाद एक एक नहीं, ओवरलैपिंग, कभी एक के बाद एक, कभी एक साथ, ऐसे हर किसी आर्टिस्ट का मैंने दिखाया। तो स्कल्प्टर को जो साइंटिस्ट है वो एक स्पेसिफिक ग्लव्स देते हैं
और उससे वो काम करना सीखना शुरू करता है और पहले वो हिममानव बनाता है जो हमने फिर से थर्माकोल का ही बनाया था, क्योंकि हमारे लिए लिमिटेशंस थी कि वो स्ट्रेट ही होना चाहिए, ज़्यादा नज़ाकतदार काम नहीं वो कर पाएगा पहले स्टे में वहाँ पे, तो थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं थोड़ा रफ रफ रॉ उससे दिखाई भी ना देना चाहिए और दर्शकों को पहचानने भी आसानी होनी चाहिए कि हाँ ये हिममानव है करके। तो ये स्कल्पचर के लिए था। फिर आ गए बाहर फ्लूटिस्ट, तो वो फूंक मार रहे हैं लेकिन फूंक बैठ ही नहीं रही है बांसुरी में, तो उन्होंने थोड़ा जॉगिंग शुरू किया, पहले दमसास बढ़ाया अपना और दमसास के साथ जो फूंक आई वो बांसुरी के लिए उपयुक्त फूंक आई, तो उसको भी पता चला कि ये मेरा रोज़ाना क्या बोलते हैं एक्सरसाइज होना चाहिए ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। फिर रह गया गायक, उसने बाहर आके गाना शुरू किया, तो बोलो कि सब ही गाना मन में ही हो रहा था समझो, तो उसने खर्च का काम किया, खर्च में थोड़े स्वर लगाए ज़्यादा, ओंकार थोड़ा किया। ये सारा हम दिखाना चाहते थे कि दर्शकों के लिए और उस आर्टिस्ट के स्ट्रीम के लिए जो उनका दिया हुआ है वही कैसे काम आता है। तो ये इसका होने के बाद नर्तक वुडन फ्लोर पे आया, अच्छी खासी खिड़की के पर्दे खोले तो बाहर बर्फ ही बर्फ चारों ओर और वो रंगों का सिलसिला, तो बहुत नर्तन करने का मन हुआ लेकिन कहाँ, चक्कर भी नहीं ले पा रहा है, हस्तक भी उसको आनंद देने वाले हस्तक यानी हाथ ही नहीं हिल रहे, तो उसने भी अपना एक्सरसाइज शुरू किया, पैर मार रहा है लेकिन चपत नहीं बैठ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने भी अपना काम शुरू किया और आहिस्ते आहिस्ते थ्रू एक्सरसाइज इन लोगों ने एक इकट्ठा कॉन्सर्ट करने तक अपना प्रवास किया। सो मुझे ऑफकोर्स एंड करना था कि ये सब इकट्ठा काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दर्शकों का भी देखना था। सो थोड़ा थोड़ा पकड़ के इन सारे चीज़ों को 15 मिनट का ये बैले था। और एक जो आपका प्रोडक्शन है वो पोखरण के एक्सपेरिमेंट पे है। हाँ हाँ, पोखरण का हमने जो भारत ने अनुस्फोट किया था, फिरोदिया ग्रुप ने सारे साइंटिस्ट को फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था और हमें उसका बैले करने के लिए बोला था। तो क्या हुआ था उस सारे 15-20 सालों में के सेमिनार्स के लिए, सेमिनार के हिसाब से मनीषा जी कोरियोग्राफी देती थी और कोई शायद बहुत कम काम कर रहा था, तो इसलिए मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि बहुत सारे विषय मुझे अभ्यास करने के लिए मेरे सामने खड़े रहे। तो ये जो था पोखरण का, तो ऐसे ही फिर से जो यहाँ के साइंटिस्ट थे उनके साथ बात की, और अनफॉर्चुनेटली मैं कभी स्कूटर नहीं चलाती हूँ लेकिन एक बार मैं स्कूटर चलाती थी, कहीं नज़दीक जा रही थी और मैं गिर गई और मेरा राइट हैंड हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया राइट रिस्ट में, तो बस प्लास्टर आ गया। तो मैंने सोचा कि अभी एक महीना है, एक महीने में मुझे इतना सारा काम करना है, ऐसे ही 15 मिनट का बैले पोखरण पे जिसका मुझे बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो सब बुक्स पढ़े, सबके साथ बातें चर्चा की और उनमें से फिर से एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक कथानक तैयार किया। सो नाद निर्मिति से लेके यानी कि उत्पत्ति स्थिति और लय, ये पहले मैं दिखाना चाहती थी। तो मुझे चाहिए था रावणकृत शिवतांडव में से कुछ, और मुझे चाहिए था कि जो मैं हाथ से नहीं कर पा रही हूँ एटलीस्ट मैंने वो उसको अगर मैं फ्रेमवर्क करने बैठी हूँ तो मैंने लिखना है, और बचपन से ऐसे थोड़े थोड़े अक्षर तो मैं राइट हैंड से लिख ही लेती थी ऐसे फॉर फन पर्पज, तो मैंने सारा उसका लेफ्ट से लिखा है। तो और भी आज भी मेरे पास वो बुक है। और जटाकटा संभ्रमम भ्रमम नीलिम पनीरझरी, इतना संस्कृत लिखने की क्या ज़रूरत थी, ये मेरे आज भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बुक रख देती वहाँ पे और लिखती कि इस पेज का है ये स्तोत्र लेना है, लेकिन मैंने वो लिखा है पता नहीं क्यों। तो लेकिन इससे मुझे लिखने की आदत हो गई और सारी फ्रेम्स यानी कि कोरियोग्राफी कैसे बनेगी, कहाँ से कहाँ जाना है, ये सारा विचार पहले 15 दिन में मैंने किया और सारी कोरियोग्राफी एक हाथ से की।
क्या बात है। तो एक हाथ से करते वक्त बहुत बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि बच्चे इतना समझ नहीं पाते थे कि दूसरे हाथ को क्या करना है। कभी बार जब यंत्र दिखाए तब तो बिल्कुल सीधे हाथ मुझे जाने चाहिए थे, कहाँ भी मुझे फोल्ड नहीं था, और यंत्रवत काम होना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे बहुत ऐसे होता था कि ओ माय गॉड क्या है ये, मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ऐसे उलझन हो रही थी या तो। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से हुआ। वहाँ भी 10-15 लोगों का लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन था, और मुझे याद है मेरे पास एक भी फुल स्लीव्स का कुर्ता नहीं था। तो मैंने पहले, क्योंकि मुझे वहाँ स्टेज पे भी जाना था, म्यूजिशियंस के लिए सब कंट्रोल भी करना था, यानी कि ऑडियंस से आना जाना होता, तो मैंने पहली बार ऐसे रेडीमेड ड्रेस खरीदा। तब तक मैं कभी भी नहीं रेडीमेड ड्रेसेस पहनती थी, मेरा यानी कि मेरे मामा का डिज़ाइनर और सब चलता था, ये बात अलग। लेकिन फुल स्लीव्स का पहन के किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, क्योंकि पर्स यहाँ रखी थी और ऐसे ऐसे सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। तो ऐसे है कि वो सारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन था उनमें से इसमें कई लोगों की देन है। शेखर कुंभोजकर ने गाया था, जो संस्कृत सारा था, और कई लोग थे गायक। लेकिन बोंगो कोंगो का यहाँ भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, क्योंकि ड्रम पैड तो नहीं था और सिंथेसाइजर भी नहीं था शायद, तो सारे मेरे जो सह कला वादक कलाकार थे वो भी बिल्कुल ऐसे कुछ आता था तो बिल्कुल ऐसे तैयार होके करते सोचते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सुन के देखिए अच्छा लगता है क्या, यही आपके मन में है क्या। तो अलग अलग ताल यूज़ करके बच्चों से दिखाया कि कैसे स्फोट हुआ और कैसे पहले प्रिकॉशन ली कि स्फोट से कुछ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, और कैसे साइंटिस्ट ने उससे काम किया और इससे जाके ये क्यों करवाया। तो ना ही सिर्फ श्रेष्ठता बताने के लिए, लेकिन जग भर में ये बताने के लिए कि भारत भी ऐसी सारी चीज़ें कर सकता है। तो ऐसे इस तरह से बिल्कुल पॉजिटिव और नोट पे सब ख़त्म किया, तो ये भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सरल जी। तो प्रोडक्शन का ही ये सफ़र जारी रखते हैं, और मुझे आपकी चक्र या व्हील पर आपने प्रोडक्शन जो किया है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, वो जो सेमिनार्स के लिए एक परफॉर्मेंस देना, ये जब सिलसिला चालू ही था तो ARAI के लिए हमने व्हील करके एक प्रोडक्शन दिया। तो उसमें बिल्कुल चक्र के उगम से आज तक व्हील कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ उसमें भी 12-15 लड़कियाँ थी। अब क्या होने लगा कि ऐसे अगर कुछ प्रोडक्शन करना है तो मेरे स्टूडेंट्स से भी कुछ इनपुट्स मिलने लगे, मेरे स्टूडेंट्स बड़े होने लगे, तो ये सारे इनपुट्स लेके एक परिपक्व और ऐसे फिनेस से भरा हुआ एक प्रोडक्शन तैयार होने लगा। इसमें भी शायद हमने लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन ही यूज़ किया था, इसमें भी अब तक हम रिकॉर्डेड म्यूज़िक पे नहीं आ रहे। सोचना ही पड़ेगा कि कौन से साल से हम रिकॉर्डिंग म्यूज़िक तक आए। तो ये व्हील का भी बहुत अच्छा रहा, सब ऑटोमोबाइल्स के पूरे भारत से और पूरे दुनिया से लोग आए थे, तो थोड़ा इंग्लिश में कमेंट्री करके सब लोगों को लोगों तक ये कथा अच्छी तरह से की। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नृत्य, इसके बारे में अनेक स्टोरीज आज पता चली, लेकिन मनीषा जी के विचार, वो भी बहुत यूनिक विचार, ना सिर्फ नृत्य के बारे में पर संगीत, साहित्य, अवकाश और कॉस्ट्यूम्स और मेकअप, इन सभी कोरियोग्राफी कंपोनेंट्स के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे आर्ट स्टोरीज़ के तहत। कीप वॉचिंग आर्ट स्टोरीज़।